भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद अब मेक इन इंडिया का जलवा मेडिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर मेक इन इंडिया के तहत लग्जमबर्ग की कंपनी बी मेडिकल सिस्टम ने गुजरात में अपनी नई मेडिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश किया है, जहां पर स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाया गया है। इसी के साथ में कंपनी ने यूनिट लगाने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन दी थी उससे पहले ही इस काम को कम्प्लीट किया गया है। सो भारत में लगातार कोविड के मामलों में हो रही वृद्धि के बीच में प्राइवेट कंपनियां और मेक इन इंडिया स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति करेंगे। यहां पर बी मेडिकल्स के द्वारा लगाई गई भारत में ये पहली यूनिट है जहां पर कंपनी ने लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यहां इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वैक्सीन रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, ट्रांसपोर्ट बॉक्स और भी बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जहां पर कंपनी सालाना 1,00,000 से भी ज्यादा यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसी के साथ में लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल ने कहा कि मैं बहुत संतुष्ट हूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल पहले इस परियोजना को सम्मानित किया था, जहां पर कंपनी ने 1 साल का टाइम दिया था इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने के लिए, लेकिन 1 साल से पहले ही इस काम को कंप्लीट किया जा चुका है। साथ ही हमने देखा कि भारत ने वैक्सीनेशन काफी तेजी से किया, इसी के साथ में हमने वैक्सीन को कई अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी किया है और अब एक्सपोर्ट करने के लिए और वैक्सीन के साथ साथ कई ऐसे केमिकल्स को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हीं सब की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा भारत में की जाएगी और कंपनी की ग्लोबली डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो कंपनी जिस रेट से यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करेगी और उससे डबल रेट से एक्सपोर्ट की भी तैयारी बनाई जा रही है। तो बी मेडिकल्स के द्वारा भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई गई है ये समय अंतराल से पहले ही बना करके तैयार कर ली गई। आप लोगों का इनके इस बड़े डिसीजन के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या भारत के अंदर इनकी और भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगनी चाहिए ताकि पूरे देश में जो मेडिकल सेवाएं हैं वो मिल सकें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।